हेलो गाइस, डिजिटल ध्रुव यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महानंद ध्रुव यूट्यूबर, और आज इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाला हूं कि ओप्पो मोबाइल की ब्लूटूथ को दूसरे मोबाइल फ़ोन की ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। यदि ओप्पो फोन से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगेगा तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना। तो चलो फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पर ओप्पो मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन ओपन हो चुका है। यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले को नीचे की ओर स्क्रॉल करना। नीचे की ओर स्क्रॉल करते ही यहां पर नोटिफिकेशन सेंटर की इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहां पर बहुत सारे सेटिंग्स की आइकन को देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्लूटूथ की आइकन को लॉन्ग टाइम के लिए प्रेस करना। प्रेस करते ही यहाँ पर ब्लूटूथ की ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्लूटूथ की बटन की आइकन को सिंपली एक बार टैप करना। ब्लूटूथ की बटन की आइकन को टैप करते ही यहाँ पर इस तरह के ऑप्शन को देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जिस भी मोबाइल फोन की ब्लूटूथ ऑन होगा वो यहाँ पर शो हो जाता है। यहाँ पर रेडमी नोट 8 मोबाइल फोन की ब्लूटूथ ऑन है, वो यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस भी फोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहते है ओप्पो फोन को, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जिस भी मोबाइल फोन की ब्लूटूथ की ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है उसे सिंपली एक बार टैप करना। टैप करते ही यहाँ पर इस प्रकार का एक छोटा सा पॉपअप पेज देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, पेयर की ऑप्शन पर सिंपली एक बार टैप करना। जिस मोबाइल फ़ोन से ब्लूटूथ को कनेक्ट कर रहे हो उस मोबाइल फ़ोन पर भी इस तरह का पॉपअप पेज देखने को मिल जाता है। वहाँ भी पेयर की ऑप्शन पर सिंपली एक बार टैप करना। पेयर की ऑप्शन पर टैप करते ही ओप्पो फोन दूसरे मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ओप्पो फोन से ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट पर जरूर बताना। अभी के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो पर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।